हैप्पी हैंड्स। पिछले सेशन में हमने क्या बनाया था? हमने पेंसिल की शेविंग से कार्ड्स बनाए थे। उसमें हमने उसकी शेविंग को इस्तेमाल किया था छतरी बनाने के लिए और एक बच्ची की फ्रॉक बनाने के लिए, और बड़े खूबसूरत से कार्ड तैयार किए थे। आज भी हम कुदरती चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो हमने रिसाइकिल किया ना पेंसिल की शेविंग को। आज हम पता है क्या इस्तेमाल करेंगे? पेंटिंग करेंगे, और किससे? चुकंदर और पत्ते। और पत्ते कोई भी शेप के हो सकते हैं। ये वाला शेप हो सकता है या ये वाला शेप हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने पसंद किया है वो है गोल पत्ते, जो के होते हैं जेरेनियम के। ये देखें जनाब, ये मैंने दबाए हुए थे इस किताब में, तो किताब में से जब ये निकले तो फ्लैट भी ज़रा हो गया अच्छे से। और ये देखें, ये भी एक शेप है, बड़े छोटे, तो ये मैंने सिलेक्ट किया है। और ब्रश की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये रुई लेकर, और ये देखें मैंने चुकंदर को उबाला है, उसमें से खूब सारा रंग निकला है, और उसको मज़ीद ब्राइट करने के लिए मैंने ये वाला पेंट भी इस्तेमाल कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी। एक तरह की पेंटिंग होगी, और इस कागज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कार्ड बन सकता है, इसको एज अ रैपिंग पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस तरह हम रुई के साथ ना एक बैकग्राउंड का रंग तैयार कर रहे हैं, कागज़ को का बैकग्राउंड कर रहे हैं तैयार। ठीक है, ये मैं चुकंदर में से निवाले की तरह इसको, रुई को मैं रंग कर रही हूँ, और फिर मैं इसको सूखने दूंगी। तो सूखने के लिए मैंने पहले से एक सफ़ा तैयार किया हुआ है जो सूखा हुआ है, और कुछ इस तरह का है, और इसको भी मैं फिल कर सकती हूँ जहाँ स्पेसेस रह गए। और मैंने इसको मज़ीद ब्राइट करने के लिए ये रंग भी इस्तेमाल कर लिया था, पोस्टर कलर था, ये इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, तो ये नमूना है आपके लिए। इसको आपको हैरानी होगी कि चुकंदर में से कितना रंग निकलता है। इसी तरह आपको पता है प्याज के छिलके में से भी रंग निकलता है, उसमें भी बहुत खूबसूरत पिंक कलर निकलता है, और चाय की पत्ती से सिर्फ खैर निकलता ही है, उसमें ब्राउन निकलता है। और ये जो कुदरती चीज़ें हैं नेचर की, ये हमें आइडियाज़ देती हैं कि आओ इसको ऐसे हम रंग के तौर पर इस्तेमाल करें, पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करें। अब जनाब हम ऐसे करते हैं कि एक पत्ता लेकर और उसके ऊपर हम ये लगाएंगे जी कलर, और कलर ये वाला लगा लेते हैं। मैंने ब्लैक का इंतखाब किया है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा, पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। टैनी पे भी लगा दिया। आप ये रंग रुई के साथ भी लगा सकते हैं, अगर ब्रश है ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और रंग ऐड करना होगा, तो आप नीचे तक पूरा लगा के, और ये भी कर सकते हैं आप, वो जो आजकल तो सभी ग्लव्स पहन रहे हैं अपने हाथों को बचाने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने टैनी को भी सेट कर दिया और पत्ते को भी सेट कर दिया इस तरीके से, और एक टिश्यू लेके इससे हमने अच्छा सा प्रेस कर दिया।
देखते हैं रिजल्ट क्या निकला। और हमने इसको यूं करके उठा लिया तो ये एक प्रिंट बन गया। एक और भी कर सकते हैं, ऐसे रख के पहले आपको याद होगा आलू की प्रिंटिंग कभी आपने बचपन में शायद की हो अपनी आर्ट क्लास में, कि आलू का एक होल्डर बनाया और उस पे एक आपने शेप काटा और शेप काट के आपने उसको ब्लॉक प्रिंट कर दिया। शायद आपको याद हो, शायद आपने ऐसा किया हो। बहुत उस वक्त पॉपुलर था हमारे वक्त में कि भाई पोटैटो प्रिंटिंग कर रहे हैं। और ये हमने टहनी उठा ली और ये देखें ये छप गया हमारा पत्ता। एक और पत्ता भी छाप लेते हैं ताकि एक पैटर्न सा बन जाए। और ये पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं रैपिंग पेपर के लिए, या इसको आप अपना उस पर लटका लें फ्रेम करके, या छोटा सा बनाएं तो अगेन कार्ड बन सकता है। इस दफा मैं उल्टी साइड पे लगा रही हूँ कलर। क्योंकि इसमें होती हैं बीन्स और इसकी होती हैं, ये एक पत्ते में बीन्स होती हैं और मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, तो इसमें फिर आप उसी का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, तो ये मैंने इधर से उठा लिया और ये मैं कहाँ प्लेस करूँगी, मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। और ये मैंने इस तरह से प्रिंट किया। आप मुख्तलिफ पत्ते ले सकते हैं, आप मुख्तलिफ पैटर्न्स ले सकते हैं। पत्तों में तो इतने शेप्स होते हैं कि आप मुख्तलिफ शेप्स से ये बना सकते हैं। अब हम इसको लिफ्ट कर देते हैं ऐसे करके, ये देखें जी, ठीक है। तो बड़े छोटे पत्ते लगा के पेंट करके आप इस बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, जो कि हमने चुकंदर से किया है, इसको बनाया है, रंग किया है। और बाकी हमने थोड़ा सा इसको एनहांस करने के लिए ना ये वाला रंग भी लगा दिया था, क्योंकि वो काफ़ी हल्का था लेकिन मेरे हाथ तो लाल और काले हो गए ना। तो ये कुछ ऐसे करके इस तरह से ये बन गया एक एक पेपर, रैपिंग पेपर, ठीक है। तो अब आप अगर गिफ्ट करें तो आप अपना रैपिंग पेपर खुद बनाएं, पत्तों के साथ और प्रिंटिंग के साथ, ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ, इवन आलू की प्रिंटिंग के साथ। आलू में भी आपको अगली दफ़ा बता दूंगी कि आलू कैसे इस्तेमाल हो सकता है। बड़ा मज़ा आया आपके साथ, तो अब अगले सेशन तक हैप्पी हैंड्स के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अच्छा जी, अब वक्त हुआ है आपकी तस्वीरें शेयर करने का। हम सबको दिखाएंगे कि ये तस्वीर आई है जनाब फातमा से और ये शिकागो से आई है, और इसमें उन्होंने जो हमारी टेक्निक थी ना पेंसिल शेविंग इस्तेमाल करने की, तो उन्होंने इस बच्ची का स्कर्ट बनाया है, बच्ची बनाई है और कहा है स्टे होम स्टे सेफ। बहुत अच्छा मैसेज है फातमा, शुक्रिया। और इनकी बहन मरियम ने भी शिकागो से ये भेजी है एक तस्वीर जिसमें छतरी है और बारिश है, इट्स रेनिंग आउट देयर। शुक्रिया मरियम, अच्छी बनाई है आपने ये छतरी। और ये जनाब ये खतीजा ने भेजा है इस्लामाबाद से, और इसमें इन्होंने बहुत सारी पेंसिल शेविंग्स को इकट्ठा करके पूरा फूल बना लिया है। वेरी नाइस खतीजा, मुझे बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आर्टिस्टिक है, शुक्रिया। और जनाब एक और तस्वीर ये हमना जहरा ने भेजी है झंगी सैयदा से, इन्होंने भी फूल बनाया है और ये पेंसिल शेविंग्स को इकट्ठा करके फूल और गोगी और बड़ी हाई हील पहनी हुई है गोगी ने, गोगी विद फ्लावर। शुक्रिया हमना अपनी तस्वीर शेयर करने का। और ये जनाब बहुत सारी पेंसिलें छील कर ये मरियम ने ह्यूस्टन से भेजा है,
और बैलरीनाज, ओ माय गुडनेस, बैलरीनाज की आई लैशेस तो कोई देखे, पोजेज और पोजेज, भाई बहुत मज़े की तस्वीर है। थैंक यू मरियम, आपने ये तस्वीर हमारे साथ शेयर की। और ये जनाब शांजे, शांजे ने टोरंटो से भेजा है, और शांजे ने आइडिया हमें दिया था कि ये जो पेंसिल शेविंग्स हैं इसके फैंस बनाए जाएं। बहुत अच्छा, बहुत यूनिक आइडिया है, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक छोटी बच्ची ने भी पंखा पकड़ा हुआ है और वो देख रही है कि मैं भी आपके साथ साथ हूँ। और फिर हमारे पास तस्वीर आएगी लाले नाज की, जिन्होंने यही पेंसिल शेविंग्स का पहिया बनाया है और पहिया बना के यूनिसाइकिल बनाई है। बहुत शुक्रिया, सबने इतनी मज़े मज़े के आइडियाज़ भेजे हैं भाई, और हम सब ने बहुत आपकी ये क्रिएटिविटी, तख्लीक इन्जॉय की है। तो हमें आप ज़रूर भेजिए, अगली टेक्निक भी देखिएगा, फिर आप हमें अपनी तस्वीरें ईमेल करिएगा। ईमेल वही है work.gogistudios@gmail.com।